भिंड से अगली खबर आ रही है, जहां बारिश के आते ही घरों की दीवार और छत गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। अगर समय समय पर यदि मकान का मेंटेनेंस किया जाए तो बड़े हादसे होने से टल सकते हैं। दरअसल भिंड जिले के गोरमी कस्बे में वार्ड क्रमांक 3 में 50 वर्षीय महिला के शौचालय का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा, जिससे छज्जे के मलबे में दबकर महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वही दूसरी घटना गोरमी कस्बे के वार्ड क्रमांक 3 की है, जहां पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के घर की दीवार भरभराकर गली में गिर पड़ी। दीवार के नीचे दबने से 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई, वही दो लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने वार्ड क्रमांक 7 और वार्ड क्रमांक 3 में मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 50 वर्षीय महिला और 17 वर्षीय युवक अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई। दो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वारदात है ये, और कल से 11 बजे के टाइम पर इनको बोल दिया था, पहले से 2 साल से बोल रहे थे कि दीवार को करवा दो, और फिर बच्चा निकला था, 2-3 बच्चे और भी साथ में थे, 10 फुट की दीवार इसके ऊपर गिरी थी। फिर ग्वालियर को ले गए, फिर ग्वालियर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दी है। किसकी गिरी दीवार है ये? प्रेम सिंह है, ये हार में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे तो ये लड़के इनके घर वाले बच गए, मतलब बेस्पर बनते हैं यहाँ पे। दो साल ओम प्रकाश नाम है लड़के का, वही इसमें बेस्पर बांधता है, वही रहता है इसमें। ये बच्चे, 3 बच्चे थे यहाँ पे, एक बच्चा था और वो 10 साल का, उसके पैर में चोट आई, उसका फ्रैक्चर या मतलब कुछ छोटा टाँपे आए उसमें। और ये लड़के का नाम अभिषेक है, पिता का नाम सरदार सिंह है, और उसकी उम्र 18 साल की है। ये थाना गोरमी की घटना है, एक अभिषेक सकवार उम्र 17 साल, जो कि एक दीवार गिरने से उसमें दब गया था, उनके साथ दो और भी थे, अरविंद और धीरज। तो उनमें से जो अभिषेक सकवार है उसकी कल मृत्यु हो गई है। ये लालमन थोक थाना गोरमी घटना थी। दूसरी घटना यादव मोहल्ला थाना गोरमी घटना है, जिसमें एक महिला जो है कलावती यादव, जिसकी उम्र 53 साल करीब है, उसकी भी इसमें दीवार गिरने से मृत्यु हुई है। जाँच का विषय है, हम इसमें दिखवा लेते किसका किसकी घर था या किसकी दीवार गिरने से।